हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे फूलों के शहर कन्नौज में। और मैं आ चुकी हूँ मंदिर, और यहाँ से मैं जाऊँगी घर, क्योंकि अब मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है। तो हम लोग जा रहे हैं वापस यहाँ से ही। मैं बच्चों को लेके घर चली जाऊँगी। जय हो भोले बाबा। तो और भी मंदिर है वहाँ पे, फिर बहुत गुलाल वगैरह सब लोगों ने खेला बहुत सारा, फिर मैं नहीं जा पाई थी, हो जाता है कभी कभी। और यहाँ पे थी अभी सरसों, मतलब राई जो होती है उसके खेतों में अभी फूल का टाइम है, मतलब राई सरसों पे फूल आ चुका है ये मान लो आप। तो अपनी पता जा नहीं रही थी, मैंने ज़बरदस्ती इसको लेके जा रही हूँ घर। और फिर अपनी के पापा तो और भैया नहीं गए थे, और अपनी के पापा तो माँ तक गए थे दीदी। और अभी हो चुकी है सुबह, गुड मॉर्निंग। और मेरा झाड़ू पोछा का काम हो चुका है, मैंने चूल्हे पे मछली बनाई थी तो वह रखा हुआ है। झाड़ू पोछा क्या मैंने लगा दी थी 5 बजे, मशीन लगा दी थी। और जैसे मैं उठी और मेरे के लिए तो लगभग सारा काम मेरा हो चुका है। तो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का हमारे फूलों के शहर कन्नौज में। और अभी मैं चाय बना रही हूँ, चाय बनाऊंगी, मटरी भी निकाल के रख ली है। तो बस मैं और भैया दो ही लोग घर में हैं। तो और दीदी अभी पूजा करने मंदिर गई हैं, वो आ रही होंगी। तो बस चाय सबकी बना ली है मैंने, दीदी आएंगी वो चाय पिएगी मटरी के साथ, नाश्ता वो बाद में देखूंगी। अभी तो फिलहाल चाय पीने का मन कर रहा है तो मैं भी पीने जा रही हूँ चाय, आप लोग भी आ जाइएगा। और मेरा सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा, और उसके बाद में मैंने क्या काम किया, हाँ कपड़े सुबह मशीन लगा ली थी 5 बजे, मैंने जैसे उठी वैसे सीधे मशीन लगाई मैंने, फिर झाड़ू लगाए। झाड़ू लगाने के बाद मैं आलू उबाल होने के लिए रखे, उनको सैंडविच बना के दी बच्चों को। और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में फिर चाय वगैरह लोगों को दी, फिर मैंने झाड़ू पोछा, बच्चे 7 बजे चले गए तो फिर मैंने झाड़ू पोछा किया। और उसके बाद में साथ में मैं मशीन चलाती रही, कपड़े धुलती रही। तो ऐसे करके मेरा सारा काम हो चुका है। अब मैं आ चुकी किचन में, बनाऊंगी चाय पीऊंगी। चाय पीने के बाद में फिर मैं क्या करूंगी, फिर नाश्ता या खाना पूछूंगी सबसे, सब लोग क्या कहेंगे उसी हिसाब से। और फिर उसके बाद में बच्चे जब आ जाएंगे तब मुझे कहीं जाना। जिंगे वाली सब सेम थोड़ी अलग सी आ रही हैं। और फिर मैंने लगा दिया है यहाँ पे हींग जीरा, और तड़का लगाया है मैंने, गाजर काट ली है बिल्कुल छोटी छोटी बारीक काटी थी मैंने, क्योंकि जल्दी जल्दी काम किया है तो मुझे कहीं जाना है। और यहाँ पे मैंने मठा का घोल पहले ही बेसन बना के रख दिया था बेसन में, तो अब मैं लगा रही हूँ सौंफ। तो बच्चे हैं शैतानी करने में लगे हुए हैं, तो बहुत दिन से मेरा कढ़ी खाने का मन कर रहा था, क्योंकि भैया ख़त्म हो गए तो इस वजह से, और लेकर और भी बन नहीं पा रही थी कढ़ी, मैं भी थोड़ी बिजी चल रही थी लगभग। तो यहाँ पे मैंने पानी अपने हिसाब से डाल दिया है, जितना मतलब कढ़ी जैसी थिक रखना चाहो, या अपने जैसे मुझे थोड़ी पतली वाली कढ़ी पसंद है ज़्यादा। तो मैं सब्जी देख रही थी और फिर मैं जा रही हूँ। तो जय हो भगवान राम की। तो मैं आ चुकी हूँ भागवत में, तो यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं। आज थोड़ा पहला दिन है तो भीड़ कम थी, कल कैलाश यात्रा थी आज तो, और फिर इतनी भीड़ थी, आप लोग आगे वीडियो में देखना, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पंडाल बहुत सुंदर लगा, सभी लोग बैठे हुए हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी से खाना खाया, और खाना खाने के बाद में फटाफट से आ गई थी, काम हो गया था ना, झाड़ू पोछा के फिर बर्तन वगैरह साफ़ किए और किचन उचिन। तो बस अब अभी हो रही है आरती, बहुत अच्छा लग रहा है। तब तो मैं तो आज और लास्ट वाले दिन ही गई थी, बीच में नहीं जा पाई थी, और थोड़ी समस्याएं होती हैं, क्या किया जाए। और देख बैठे हो अब, पता मैंने उन्हें 2 बजे से लेके 5 बजे तक अपने पास ही बिठा के रखा था, पता रोने लगे दोनों। फिर मैंने भेजा नहीं, मैंने कहा इधर देखिए मारे मारे फिरेंगे इधर उधर घरों में। जय हो भोले बाबा की। तो बस अब हम लोग पहुँचेंगे घर, सभी लोग जा रहे हैं, और अभी पंडाल प्रसाद ले रहे हैं, आरती कर रहे हैं सभी लोग। तो यही सब करने में अपनी
फूल चढ़ा के आई हैं, मैं नहीं गई थी अंदर, और नीने ही चढ़ा के आई हैं। सभी लोग पंडित जी सबको फूल देते हैं लास्ट में। और यहाँ पे ये मैंने आसन बनाया, थोड़ा गड़बड़ हो गया कि एक एक उसकी बनाऊंगी तो आगे देखना, तो मैंने इसको उधेड़ दिया इतनी मेहनत की। यहाँ पे मैंने मेथी आलू की सब्जी बनाई है, और आज मैं थोड़ा करूँगी रेस्ट, मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैं नाश्ते में मंगाए थे समोसे, दो दो समोसे, आप लोग भी आ जाइएगा खाने के लिए। और इसी के साथ में मैं वीडियो का एंड भी करूँगी, तो भी फटाफट से नाश्ता कर लेती हूँ। और ठंडी का मौसम है, एकदम गर्मा गर्म समोसे यहीं से पास से मंगाया। तो बस हम लोगों ने चाय का नाश्ता किया, चाय समोसे का, और इसके बाद में फिर मैं आसन बनाने के लिए बैठ गई हूँ। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं दिखाऊँगी कि मतलब किस तरीके से मैंने बनाया है। वो थोड़ा हो गया था, उसमें क्या था, मैंने एक जो कली होती है वो दो कलर की बनाई थी। अब मैं बनाऊंगी एक एक, एक पिंक बनाऊंगी, एक रेड बनाऊंगी, एक पिंक बनाऊंगी, एक रेड बनाऊंगी। इसी के साथ मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ। पसंद आया प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली डेली मिलती रहे। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और अभी मैं बस यही करने में लगी हूँ, बहुत तेज़ जुकाम सा हो रहा है, तो मैं इसको काउंटिंग कर रही थी, मैं भूल जाती हूँ इसलिए काउंटिंग कर करके देख रही थी मैं बार बार। और कैसा लगा आप लोगों को उसमें। और अब मैं जा रही हूँ, अब थोड़ा किचन में काम संभालूंगी, पैर तो काम नहीं कर रहे, मैं ज़बरदस्ती बहुत धीरे धीरे चलती हूँ, ठुमक ठुमक के चलना होता है। बच्चे कहते हैं मम्मी तो मेरी बूढ़ी हो गई हैं, मैंने कहा हाँ यही मान लो।